आगामी लोकसभा चुनाव और साल के अंत में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर और भी बढ़ता जा रहा है। इस बार गाज बीजेपी के अंदर जागरी है, क्योंकि बीजेपी के संस्थापक और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की बेटी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। बीजेपी में पिता की उपेक्षा से दुखी चल रही प्रतिभा आडवाणी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का विचार किया है। कभी देश के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने अब कांग्रेस का रुख अपनाने की सोची है। यह भी चर्चा है कि प्रतिभा अपने पिता की परंपरागत सीट गांधीनगर से चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकती हैं, जिसको लेकर बीजेपी में चिंता का विषय पैदा हो गया है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव और चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी विशेष तवज्जो देती नज़र आ रही है। अगर इसी दौरान बीजेपी में गाज गिरी तो बीजेपी को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिभा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के षड्यंत्रकारी स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। वह जानती हैं कि बीजेपी उन्हें टिकट देकर भी इस सीट पर उन्हें हराने के लिए काम करेगी। इससे बेहतर है कि वो कांग्रेस की ओर रुख करें और 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पिता की इस सीट से चुनाव लड़कर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करें।